एमएलए कोटे से खानोसास काउंसिल की 6 निशुस्तों के लिए होने वाले इंतखाबात में टीआरएस के तमाम 6 उम्मीदवारों को मुत्तफिका तौर पर मुंतखब करार दिया गया। आज पर्चे नामजदियां दाखिल करने की आखिरी तारीख थी, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐलान किया। इन उम्मीदवारों में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर एडम श्रीहरी, साबिक सदरनशीन खानोसास काउंसिल जी सुकंदर रेड्डी, साबिक जिला कलेक्टर सिद्दीपेट वेंकट राम रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट बंडा प्रकाश, पी कौशिक रेड्डी और टी रविंदर शामिल हैं। वाजह रहे कि इन 6 नशिस्तों के लिए किसी दूसरी जमात ने अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं किए। टीआरएस के कारगुजर सदर और रियासती वजीर खेती रामाराव ने 3 जरिए खवानीन की वापसी के लिए जद्दोजहद के दौरान मरने वाले किसानों को मुआवजा अदा करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर बीजेपी की जानिब से उन्हें गद्दार करार देने पर शदीद एतराज़ किया और सवाल किया कि बीजेपी के लीडर आखिर कौन है जो किसी को देशभक्त या गद्दार होने का सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वाजरे के बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने इतवार को चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया था कि वो रियासत के उन किसानों को जिन्होंने खुदकशी कर ली पहले मुआवजा दें। एक और बीजेपी लीडर ने चीफ मिनिस्टर के ऐलान को खालिस्तानियों की माली इमदाद से ताबीर किया था। रियासती वजीर के टी रामाराव ने कहा कि अपनी नाकामियों की पर्दापोशी और 3 मतनाज़ा खवानीन की वापसी पर अपनी खिफत को मिटाने के लिए बीजेपी कायदीन इस किस्म के बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं। ज़िले रंगारेड्डी में मजारे से मुकामी के होने वाले काउंसिल के इंतखाबात के लिए टीआरएस के उम्मीदवार साबिक वजीर एम महेंद्र रेड्डी को वजीर तालीम सबीता अंजा रेड्डी और वजीर लेबर सी मल्ला रेड्डी ने टीआरएस पार्टी का बीफाम हवाले किया। इस मौके पर अरकान असेंबली विवेक गांधी, आनंद यादव, मच्छी रेड्डी किशन रेड्डी, प्रकाश गौड़, रोहित रेड्डी, सदरनशीन जिला परिषद रंगारेड्डी सुनीता महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वजीर पंचायत ई दयाकर राव ने जिले वारंगल में मजालस मुकामी के लिए होने वाले इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी का दावा किया और कहा कि पार्टी उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी भारी एक्सरेस से मुंतखब हो जाएंगे। उन्होंने ZPTC अरकान के अलावा अरकान असेंबली और पार्लियामेंट से पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला वारंगल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का पसंदीदा जिला है, इसलिए उन्होंने उन पहले ही सत्यवती राठौर को रियासती काबीना में जगह दे दी है। ईरोजु स्थानिक एन्निकलु एम्मेल्सी एन्निकलु वच्चाय, तेलंगाण राष्ट्रंलो 90% ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలు కౌన్సిలర్సు కార్పొరేటర్స్ కూడా 90% టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులే గెలవటం జరిగింది. అది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని, కేసీఆర్ గారు ఈ వ్యవస్థను మున్సిపాలిటీని కార్పొరేషన్లు పంచాయత వ్యవస్థను పటిష్టం చేశారు. గ్రామాలు బాగుపడ్డాయి, పట్టణాలు బాగుపడ్డాయి, ఆ వ్యవస్థ చాలా బాగుపడ్డదని ప్రజలు ఆమోదంతో ఓటు చేశారు. ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఈ ఎన్నికల్లోపట మొత్తం కూడా గెలుస్తాయి, పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ మాకు మెజార్టీ లేదు, వన్ సైడ్ ఎన్నికలే, వాళ్ళు కూడా విత్డ్రా చేసుకోవటం జరిగింది. నేను ఒకటే ఎంపీటీసీలకు, కౌన్సిలర్లకు, కార్పొరేట్కు, జెడ్పీటీసీలు అందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చాలా కృషి చేశారు. రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీల కోసం, కౌన్సిలర్ల కోసం, కార్పొరేటర్ల కోసం కేటీఆర్ గారి దగ్గర కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లకు అధికారాలకు ఫండ్స్ కూడా వారు కృషి చేశారు. అసొంటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని ఇనానిమస్గా గెలిపించి మన జిల్లా గౌరవం కూడా కాపాడాలని కూడా నేను జిల్లా ఉన్న ఎంపీటీసీలకు, జెడ్పీటీసీలకు, చైర్మన్లకు, మేయర్లకు, కార్పొరేటర్లకు, కౌన్సిలర్లకు కూడా జిల్లా ప్రజాప్రతినిధుల తరఫున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈరోజు వరంగల్ జిల్లా స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా సోదరులు గౌరవనీయులు పోచంపల్లి శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి అవకాశం రావడం, వారికి జిల్లా అందరి తరఫున నేను హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ వారికి అవకాశం కల్పించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మరి రాష్ట్రంలోనే ఒక చరిత్రను సృష్టించి అత్యధిక ఓట్ల నమోదు వారు చేసుకొని ఆ రోజు దాదాపుగా ఇనానిమస్గా గెలిచినట్టు గెలిచారు. ఆ రోజు నుంచి కూడా వారిని ఏదైతే గెలిపించిన ఓటర్లు ఉన్నారో వాళ్ళ సమస్యల కోసం సౌత్ జోన్ పోలీస్కి తరఫే ఓఎస్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ బంగ్లాగుడేమే హఫ్తా 27 నవంబర్కు సుబ సాడే 9 బజే మేఘా జాప్ मेला मुनक़िद किया जाएगा। 20 से ज़्यादा कंपनियां 3,000 जायदादों पर तकरार करेंगी।
इनमें टीएमआई ग्रुप, एसबीआई कार्ड, पेटीएम, एसीबी फाइबर नेटवर्क और बजाज ऑटो लिमिटेड शामिल हैं। फलकनुमा के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एम एम मजीद ने नौजवानों से जाब मिलने से इस्तीफादा करने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार साहब के सरपरस्ती में चांद्रायनकोटा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक मेगा जॉब मेला ये महीना 27 को हम लोग करने जा रहे हैं। तो जगह आके मुकाम उस्मान सदी फंक्शन पैलेस बंडलागुड़ा में है। हम सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के तरफ से सभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, मर्द और ख़वातीन, इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 18 साल से 28 साल के अंदर जो कुछ भी मर्द और ख़वातीन इंटर और डिग्री पास होने के बाद जो जॉब के इंतज़ार में, एम्प्लॉयमेंट के इंतज़ार में जो है, उन सभी के लिए ये अच्छा मौका है। और यहाँ पे एक 20 तक मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं और इसमें 3000 वैकेंसी है। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक है, वो लिंक आपको सोशल मीडिया के जरिए मैं भेजना चाहूँ। ये लिंक आ के ये जो लिंक है bit.jy/jcepass ये लिंक है उसका। सो ये लिंक पे जाके जो इंटरव्यूज को आना चाह रहे हैं तो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करें तो आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा। उसके बाद आप 27 के दिन इसी महीना सैटरडे के दिन सुबह 9:30 बजे ओएस फंक्शन पैलेस बंडलागुड़े को वहाँ पे आना पड़ेगा। वहाँ पे ये जो कंपनी से खुद चलते हुए अपने घर पे आ रहे, अपने एरिया पे, अपने मुकाम पे आ रहे, एक अच्छा मौका है। सभी जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इस मौके को इस्तेमाल करिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होके आप इसमें नौकरी पा सकते हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सो सभी अपने एरिया के कॉर्पोरेटर्स से और एरिया के लीडर्स से और यूथ ऑर्गेनाइजेशन से और सभी मीडिया के जरिए से मैं सबको ये अपील करता हूँ, ताकि ये अच्छा एक मौका है, इसको इस्तेमाल करके आप इसमें नौकरी पाने के लिए एक अच्छा मौका है, इसके लिए आप अच्छा इस्तेमाल करें। शुक्रिया सर। इसकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग डेट फिक्स हो गई है। 27 इस महीना 27 हफ्ते के दिन सुबह 9:30 बजे। जी जमसी ने संभली हल्के उपल के तहत मंगापुरम में वाके साई बाबा मंदिर के हाथे में COVID-19 वैक्सीन के टीके अंदाजी का कैंप मुनाकिद किया। कॉर्पोरेटर जय प्रभुदास ने आवाम से अपील की कि वो इस कैंप से इस्तेफादा करें और अपने टीके लगवाएं। डिप्टी कमिश्नर जयसम सिंह, कापरा सर्कल शंकर और दीगर अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासत गोवा के अरकान असम्बली के एक वफद ने स्पीकर राजेश पटनेकर की क्यादत में पुलिस कमिश्नरेट हैदराबाद बशीरबाग का दौरा किया और पुलिस कमांड सेंटर का जायजा लिया। वफद ने ईदों और त्योहारों के मौके पर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम और अमन बरखारी से मुतालिक इकदाम के बारे में भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सुनीता रेड्डी और दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। रियासती वज़्र इंडस्ट्रीज के टी नवारा ने जिले महबूबाबाद के मौजे संगारम में बरखी शाख से फौत हो जाने वाले एक शख्स के 2 कमसिन लड़कियों की परवरिश की जिम्मेदारी मौके में विमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर को दी है। उन्होंने जिमन में जिला कलेक्टर महबूबाबाद को खास तौर पर हिदायत जारी की है। खानकाह कंजनशीन के इमरान पाशा बगदादी की क्यादत में एक वफद ने पुलिस स्टेशन हुसैन आलम में उत्तर प्रदेश शियावा बोर्ड के सबक सदर नशीन वसीम रजवी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया कि वसीम रजवी ने शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए लाखों मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है और उसके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। वफद में यूसुफ याकूबी, विखार अहमद खान, मन्नान करीमुल्ला, शकील और दूसरे भी थे। जिले विकाराबाद के कलका चर्रा मंडल में एक ऑटो रिक्शा के उलट जाने के हादसे में 8 तलबा जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मुजाहिदपुर गांव में पेश आया। ये तमाम तलबा स्कूल को जा रहे थे। 2 हफ्ते के दौरान माँ और बाप के फौत हो जाने के बाद
मेदक में दो बच्चे यतीम हो गए। 26 साल महेश्वरी ने 8 साल कबल 30 साल रमेश से मोहब्बत की शादी की थी और उन्हें दो बच्चे थे। रमेश दो हफ्ता कबल मुसलसिल बीमार होने की वजह से फौत हो गया। इसके गम में मुब्तला महेश्वरी जो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी इतवार को तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। नलगुंडे का मुतवतिन एक नौजवान 25 साल एम शेखर अमेरिका में ट्रैफिक के हादसे में फौत हो गया। यहाँ मौसूल इत्तला के मुताबिक शेखर रोजगार के सिलसिले में 2 साल कबल अमेरिका गया हुआ था। एबीवीपी के कारकुनों ने कोकटपल्ली के अविनाश कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उस वक्त तोड़फोड़ की जब बासतुलबा ने उन्हें कॉलेज में पार्टी की रुकने साजी मुहिम चलाने पर एतराज किया। इस मौके पर हुई झड़प में कई तलबा मामूली तौर पर जख्मी भी हुए। कॉलेज इंतजामिया ने पुलिस को इसकी इत्तला दी जिस पर पुलिस ने वहां पहुंचकर एबीवीपी के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवेसी ने कानून तरमीम में शहरियत और एनआरसी को वापस लेने का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक जलसियाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये कानून वापस ना ले तो शाहीन बाग की तर्ज पर दोबारा एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को नाटंकी बात करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी गलती से सियासत में आ गए वरना वो फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अवार्ड हासिल कर लेते थे। असद नवेसी ने कहा कि आइंदा साल होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने 3 दरी खवानीन से रज़बदारी इख्तियार करने का ऐलान किया है। सदर मजलिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्लाटर हाउस और गोश्त की दुकानात बंद कर देने की वजह से कुरैश बिरादरी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को कृषि कानूनों को वापिस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापिस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापिस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है, उस कानून उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे, अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को, वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे, क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया उससे 2 दिन पहले
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां एनपीआर एनआरसी की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो एनपीआर एनआरसी होगा नहीं होगा, तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी एनपीआर एनआरसी तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बार देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता, हमको बहुत लोग घूरते, हमको बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। तीन मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की वापसी के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद किसानों की महापंचायत लखनऊ में मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान का खैर मकदम किया गया। तमाम कहा कि पार्लियामेंट में इन क़वानीन की वापसी से मुतालिक कार्रवाई तक वो इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। किसानों की तंजीम के एक लीडर जोगेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत को हमारे दूसरे मुतालबात पर भी कोई फैसला करना होगा, जिसमें MSP पर क़ानून साजी, मरकजी मलिक से वज़ीर दाखिला अजय मिश्रा की बरतरफी वगैरह शामिल है। इस महापंचायत में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हजारों किसान शरीक थे। त्रिपुरा में TMC के कारकुनों पर पुलिस मुजालिम के खिलाफ TMC के अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। वो वज़ीर दाखिला अमित शाह से मिलना चाहते थे। बाद TMC के अरकान पार्लियामेंट ने अमित शाह से मुलाकात की। दूसरी तरफ त्रिपुरा में BJP की गुंडागर्दी और पुलिस मुजालिम पर जबरदस्त एहतजाज जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को, जिन्हें मुंबई हाईकोर्ट ने भगोड़ा करार दिया, गिरफ्तारी से तहफ्फुज़ फराहम किया है। उनके वकील ने अदालत को बताया कि परमबीर सिंह भागे नहीं है और ना ही कहीं फरार होने का इरादा रखते हैं, बल्कि उनकी जिंदगी को खतरा लाख है। वाज़ेह है कि साबिक पुलिस कमिश्नर को वसूली के 4 मुकदमात का सामना करना है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 8,488 नए केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तदाद 3,39,34,547 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 249 अफराद फौत हुए हैं। इस तरह जुमला 4,65,911 अफराद फौत हो चुके हैं। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कल इतवार को एक दिन में 7,83,563 अफराद के COVID-19 टेस्ट किए गए। वहीं 32,99,347 अफराद को COVID-19 वैक्सीन के टीके देने के बाद टीके लेने वालों की कुल तादाद 116,87,00,000 हो चुकी है। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर वाकिशा में इतवार को क्रिसमस परेड के दौरान एक SUV के घुस जाने के वजह से 20 अफराद हलाक हो जाने की इत्तला मिली है। वाकिशा पुलिस के चीफ डॉन थॉमसन ने बताया कि इस वाक़े में मुलविस गाड़ी का पता चला लिया गया है और इसके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया कि एक कार परेड में शामिल अफराद को रोनते हुए जा रही है। फॉक्स TV ने बताया कि ये गाड़ी परेड में रस करने वाली लड़कियों को निशाना बनाई। एक आईनी शाहिद ने बताया कि SUV 40 मील फी घंटा की रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। पुलिस का कहना है कि वो फीडबैक नहीं बता सकते कि आया ये दहशतगर्दाना कार्रवाई थी। इत्तेदाई इत्तला में बताया गया था कि 5 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हुए।